eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating... आने वाले 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। What's happening in our country, and it's a shame. इस पर अकेले अमेरिकियों की नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी थी। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए। ये पहली बार है जब दोनों अमेरिकी दिग्गज जनता के बीच आमने सामने हुए। ट्रंप ने 7वीं बार डिबेट में हिस्सा लिया जबकि कमला हैरिस के लिए पहला मौका था। Attempted to use race to divide the American people. 90 मिनट की प्रेसिडेंशियल डिबेट में अर्थव्यवस्था, गर्भपात, गाजा इजराइल युद्ध, अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी और कैपिटल हिल पर हुए हंगामे जैसे मुद्दे बहस में छाए रहे। अमेरिकी टीवी चैनल ABC की ओर से कराई गई इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस से पूछा गया कि वे गाजा इजराइल युद्ध को कैसे हैंडल करेगी। इस पर हैरिस ने कहा कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि वह करता कैसे है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का तुरंत अंत होना चाहिए। हैरिस ने युद्ध विराम और दो देशों वाले समाधान का समर्थन किया। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो इजराइल का अस्तित्व 2 साल में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। We made ventilators for the entire world. We got gowns, we got masks, we did things that nobody... अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बढ़ते टैक्स के सवाल पर कमला हैरिस ने कहा कि मेरे पास एक अर्थव्यवस्था का प्लान है। उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अमेरिकी परिवारों और छोटे कारोबारों का समर्थन करने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया। ट्रंप पर निशाना साधते हुए कमला ने ट्रंप पर एक ऐसा सेल्स टैक्स प्लान करने का आरोप लगाया जो अमेरिकी मिडिल क्लास पर सालाना $4,000 का भार बढ़ाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिकियों पर नहीं बल्कि दूसरे देशों पर टैरिफ रेट बढ़ाएंगे। हम विदेशी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने पर फोकस करेंगे। जब मैंने ऐसा किया था तब देश में महंगाई नहीं आई थी। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट काफी मायने रखती है। अमेरिकी जनता और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, इससे चुनावी नतीजों की एक झलक माना जाता है। इस कड़ी में CNN और SSRS की ओर से अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर एक सर्वे हुआ। इसमें डिबेट देखने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि डिबेट में कमला हैरिस की जीत हुई है। सर्वे के मुताबिक डिबेट देखने वाले 63% लोगों ने कमला हैरिस को इस डिबेट में विजयी करार दिया। वहीं 37% लोगों का मानना है कि डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। गौरतलब है कि जून में हुए पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए थे, हालांकि बाद में खुद बाइडेन ने चुनाव से खुद को अलग करने का ऐलान किया था। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए नामित किया। ऐसे में कमला हैरिस के लिए ट्रंप के खिलाफ ये डिबेट जीतना बेहद अहम माना जा रहा है।